वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार परीक्षार्थियों को विश्वास दिलाते हुए कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देगी। सीएम धामी ने कहा है कि जैसे ही राज्य सरकार को भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का पता चला, वैसे ही हमने भर्ती परीक्षाओं को दोबारा करने का निर्णय लिया ताकि छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो सके। इसके साथ ही परीक्षा में लगने वाले शुल्क को राज्य सरकार ने माफ किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दिन सभी परीक्षार्थियों को रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर का सरकार ने आदेश दिया है और सीएम धामी ने कहा है कि हमारी सरकार पूरी तरह से छात्र छात्राओं के साथ है और हम सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करते हैं कि वो प्रदर्शन छोड़ परीक्षाओं की तैयारी में लग जाएं और अपने भविष्य पर ध्यान दें। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नहीं देखिए, हम किसी भी छात्र एवं छात्राओं का जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम उनके भविष्य का पहले से भी ध्यान रख रहे हैं और आगे भी ध्यान रखेंगे कि उन छात्रों और छात्राओं के साथ किसी प्रकार का भी कोई गलत सरकार नहीं करना चाहती। सरकार तो उनके हित के लिए ही काम करे।